गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ रोहित के ब्लॉग्स। आई एम योर होस्ट रोहित। तो मैं बहुत थक चुका हूँ। टाइम और डेट दिए गए, मेंशन हो जाएगा, मिल जाएगा। सुबह का खाना और पीना बना करके, बस पोछा लगा करके, घर की सफाई करके अभी मैं फ्री हो गया हूँ। कल के ब्लॉग में आपने देखा अभी शूट हो गया था। अभी टाइम हो रहा है 10:30। आप लोग देख रहे हैं ना पसीने का क्या हाल रखा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ बाथ लेने। बाथ लेने के बाद मैं वापस आऊँगा ऑफिस में, बैठूँगा, देखूँगा क्या करना है। आज फिलहाल रिहर्सल होने का टाइम था, कल रिहर्सल हो नहीं पाया था। मिलते हैं हम लोग रिहर्सल्स पे। तो ना जो कुछ भी होगा ब्लॉग में वो तो आपको पता ही लग जाएगा। तो हंसने का बिल्कुल नहीं, कभी भी किसी की भी कैसी सिचुएशन आ सकती है, बी प्रिपेयर। हेलो, सो द टाइम इज़ 11 और अभी मैंने सारे काम फिनिश करके अभी वापस ऑफिस में आया और बात हो चुकी है करिश्मा से। चांदनी आने वाली है प्रैक्टिस के लिए और हिमांशु भाई को कॉल करना है, उनको भी बुलाना है प्रैक्टिस के लिए, जो नई शॉर्ट फिल्म है। बिकॉज जो हमारी शॉर्ट फिल्म एस्टेट है शिक्षक भर्ती, वो थोड़ी सी डिले करेगी। मैंने बताया उसका रीज़न क्या है। तो वो रीज़न, जब तक के प्रखर की तबीयत सही नहीं होती है तब तक के हमें एक और बैकअप प्लान लेके चलना पड़ेगा। वीडियो है, वो कॉमेडी वीडियो है, तो उसे हम लोग करेंगे और उसके लिए पहले रिहर्सल्स बहुत ज़रूरी है। तो जब तक के चांदनी नहीं आती है तब तक के हम एस्टेट का जितना भी शूट हो चुका है उसकी एडिटिंग कंटिन्यू रख रहे हैं। जब तक के वो लोग नहीं आ रहे तब तक के हम कुछ नाश्ता करके फिर प्रोसीड करते हैं अपनी शॉर्ट फिल्म की एडिटिंग। हाँ, मैंने एक नई बुक स्टार्ट की है जिसका नाम है थिंक ग्रो एंड रिच। तो इससे भी कुछ नया एक्सपीरियंस मिल रहा है। अभी मैंने सिर्फ एक चैप्टर ही पढ़ा है जो कि जिसका नाम है फेथ। तो काफ़ी अच्छी बुक है, अगर आप भी पढ़ना चाहें तो आप उसको पढ़ सकते हैं। सिर्फ टाइम मिलता ही नहीं है बुक पढ़ने का, लेकिन फिर भी अपने टाइम से आधे से एक घंटे का टाइम निकाल करके 2-3 पेजेस को कंटिन्यू करते हैं हम रोज़ रोज़, ताकि जब इसको फिनिश कर पाएँ और उसका कंक्लूजन जो है वो आपको बता पाएँ। पहले जो टाइम है डिसाइड हो गया है 1:30। दोनों लोग आ रहे हैं, चांदनी भी, अंशु भैया भी। तो आज हम लोग पूरी जो शॉर्ट फिल्म है उसकी हम लोग रिहर्स करेंगे पहले तो, और फिर कुछ चीज़ें उसमें से एड ऑन होंगी, कुछ चीज़ें उसमें से डिटेक्ट होंगी। एक परफेक्ट फिल्म को शूट करने से पहले रिहर्सल बहुत ज़रूरी होती है, तो वही रिहर्सल आज होने वाली है और हम उसके मिड का भी पोर्शन आपको दिखाएंगे कैसे हम लोग रिहर्स करते हैं और क्या क्या फ़नी मोमेंट्स होते हैं। तो मिलते हैं तब तक के। जल्दी मैं भूल गया था कि मैंने स्क्रिप्ट तो का प्रिंट आउट तो निकलवाया नहीं है। मैंने अक्षय को बोला था प्रिंट आउट निकालने के लिए, हमेशा वही निकल दे देता है, लेकिन अभी क्या है कि उसका कॉल नहीं लग रहा है। तो फिर पहले जाते हैं प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं स्क्रिप्ट का, बिकॉज उसके बिना रिहर्सल्स तो इम्पॉसिबल है। तो बहुत ही गंदी हो रखी है। चलते हैं शॉप पर। तुम भूल जाती हो हमेशा डायलॉग अपना, है क्या करोगी तुम? जो वीडियो आने वाली है, भैया रेडी हो रहे हैं वहाँ पे, सब बैठा हुआ है। तो अभी कुछ बिहाइंड द सीन्स दिखाएंगे आपको थोड़े बहुत, और जल्दी जल्दी ये वीडियो रिलीज़ भी करेंगे, इससे जल्दी वर्क हो रहा है और एस्टेट थोड़ा सा लेट जाएगी जो बताया था आपको मैंने। तो लेट्स स्टार्ट द वर्क फर्स्ट। कौन है? अरे शर्मा जी, देख रहे ना आप, मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ और बस ये स्टेज पूरी हो जाए। अरे बाप, कहने में शर्म आती है? बेश मैं इसमें रिकॉर्ड कर लिया, मैंने इसमें रिकॉर्ड। हाँ, 1, 2, 3, 4, 5 आप खोलो। वाओ, हम्म, ये तो वॉच है।